पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और आज सच में पवित्र आत्मा जी आपने बड़ी बड़ी गवाहियां बनाई परमेश्वर लोगों की, सच में पथरियां गई, रसौलियां गई, कैंसर गए पवित्र आत्मा जी, शुगर गए, इन्फेक्शन गए, हर प्रॉब्लम्स बवासीर से छुटकारा दिया, यूरिक एसिड गए, थायराइड गए, आज हर एक गवाही परमेश्वर इन्होंने सुना और जितने लोगों ने सुना है और जो यहाँ कोई बीमार है या कोई लाइव में देख रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी समय पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और जिन लोगों ने चर्च के लिए बीज बोया है परमेश्वर इनकी लाइफ में मिराकल हो आज यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे हो यीशु मसीह के नाम में, और रिसीव करो अब इसी समय। मेरे हाथ की तरफ स्क्रीन पर देखो कैमरामैन, और इसी समय जो लाइव देख रहे हैं हाथ की तरफ देखो, इसी समय पवित्र आत्मा जी जो इस समय पूरे वर्ल्ड से देख रहे हैं, इसी समय जो लाइव में बैठे हैं और जो स्क्रीन पर संगत देख रही है, इसी समय परमेश्वर के ये मेरे हाथ से अनॉइंटिंग इनके ऊपर उतरे, और जब ये हाथ अपने सिर के ऊपर रखें, जिसके पास बच्चा नहीं है उसको बच्चा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इसी समय जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है गवर्नमेंट जॉब आए यीशु मसीह के नाम में, जिसके पास घर नहीं है उसके पास घर मिले यीशु मसीह के नाम में, जिसके पास पीआर नहीं है फॉरेन का वीजा नहीं है ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप एक हफ्ते के बाद मिराकल देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, इसी समय पथरियां बाहर, रसौलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, इसी समय हर एक घुटने का दर्द, कमर का दर्द, शुगर खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन, बोलो थैंक यू जीसस, आमीन। मैं कह रहा हूं जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनके लिए आज कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद करें और शांत हो जाएं, सब जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारे बोले हालेलुया हालेलुया। वॉलंटियर उसको बिठा चुप करके, और नहीं तो पीछे ले जा इसको, सारे बोले हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब ध्यान से सुनेंगे, होश में रहो, अपना होश मत खराब करो, क्योंकि वचन का टाइम है, जब आप वचन सुनते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है, बोलो हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला परमेश्वर है। कितने लोगों को गुस्सा आता है, अपने हाथों को उठाओ। मैं आज प्रचार कर रहा था जलंधर में, तो उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज आज चंडीगढ़ में भी यही प्रचार करो, बहुत से लोगों को गुस्सा आता है। जितने लोगों को गुस्सा आता है, आज आपके गुस्से पर आज आपको कंट्रोल करना सिखाऊंगा, परमेश्वर काम करेगा आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। सब जल्दी से निकालें नीति वचन, उसका 19 का 11 अध्याय निकालें, और परमेश्वर आज आपको 100 गुना बरकत दे। आप देख रहे हैं जो प्रोफेसी किया वो पूरी हुई, चाहे वो 3 साल बाद हुई, 3 साल से बच्चा नहीं था लेकिन 1 साल बाद उसकी प्रोफेसी पूरी हुई, 6 महीने बाद हुई, और आपके सामने रिजल्ट है, सिर्फ 2 हफ्ते में उसकी प्रोफेसी पूरी होगी, गांठे भाग गई और वो जल्दी प्रेग्नेंट होने वाली है, ये भी प्रोफेसी पूरी होने वाली है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। कुछ लोग इधर उधर घूमते रहते हैं चर्च में, इधर उधर दाएं बाएं, कुछ नहीं होता, सिर्फ देखने के लिए आते हैं। सिट डाउन और ध्यान से बैठे, वचन का टाइम है। जब आप बैठते हैं अपनी आशीषों को खुलवाते हैं, बेशक आपका आपको अगर नहीं लगता तो 4-5 बार मत आना, लेकिन जब आप 4-5 बार आओ तो आनंद के साथ आओ, विश्वास के साथ आओ, परमेश्वर आपके घर में मिराकल जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डिसिप्लिन मांगता है परमेश्वर, हम डिसिप्लिन में काम करेंगे, सारे बोले हालेलुया हालेलुया। जल्दी से निकाले नीति वचन, उसका 19 का 11। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में गुस्सा करते हैं और पूछते हैं पास्टर को आकर कि पास्टर जी मेरी लाइफ में अब तक चमत्कार क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों की शिकायत है अपनी लाइफ के अंदर कि मेरी मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चला, मेरे घर में ये आशीष क्यों नहीं आई। एक लड़का मेरे पास आया और मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई बाइबल इस बात को बयान करती है, बाइबल में लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर बोलता है जो क्रोध करता है मेरा परमेश्वर उसके साथ 2 कदम चलना भी पसंद नहीं करता। आप लोगों को नहीं पता, कह रहा जब कह रहा एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो परमेश्वर उसके साथ चलता ही नहीं है। लोगों को मालूम है या नहीं है, लेकिन बाइबल इस बात को बयान करती है, आदम और हवा कह रहे कि उन्होंने बेस्ट बनकर दिखाया परमेश्वर को, लेकिन आगे बच्चों ने बेस्ट काम नहीं किया,
उनके बच्चे कह रहे कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रख पाए कि उसके बच्चे ने कैन ने गुस्सा किया और अपनी फैमिली को तबाह कर लिया। आदम और हवा की फैमिली क्यों तबाह हुई? सिर्फ गुस्से के कारण। आज बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होगा। बहुत सारे लोग अपने जॉब किस कारण से छोड़ देते हैं? गुस्से के कारण। जा, मैं तेरी सरकारी नौकरी करता ही नहीं, जा, गुस्से के कारण। कुछ लोग गुस्से के कारण कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अच्छी अच्छी सैलरी पर काम करते हैं और गुस्से के कारण छोड़ देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये कर्ज होता है गुस्से का, ये एक शराब होता है और वो पीछा कर रहा होता है। अगर आपका बाप गुस्से वाला है तो बेटा भी गुस्से वाला होगा, याद रखना। अगर आपके खानदान में कोई गुस्सा करता है तो आगे गुस्सा एक और भी करेगा, क्योंकि शैतान जानता है, कह रहा है कि मसीह लोगों को कह रहा है कि एक ही चीज आशीष लेने से रोक सकती है, वो है गुस्सा। कैन परमेश्वर के इतना नजदीक था, हाबिल इतना नजदीक था, उसके मां बाप ने सिखाया था कि बेटे कह रहे कि तुम हर संडे चर्च में जाना और वेदी बनाना और भेंट चढ़ाना, बेस्ट काम करना सिखाया था उसके बाप ने। हो सकता है कि आपने भी एक अच्छा बेस्ट काम किया है, आप एक बेस्ट बन सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम बेस्ट काम नहीं कर सकते। हम अच्छे बेस्ट बन चुके हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आप बेस्ट आदमी बेस्ट औरत बन चुके हैं, जब आपने बैप्टिज्म लिया प्रार्थनाएं किया तो आप बेस्ट बन चुके हैं, लेकिन एक बेस्ट काम आपको दिया गया है, लेकिन आपका गुस्सा बेस्ट काम आपको करने नहीं दे रहा। आपका गुस्सा, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी नौकरी लग गई फौज में, और जब मैं प्रभु को नहीं जानता था लेकिन मैं बड़ा गुस्से वाला था। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय में एक फौज अफसर ने कहा कि ट्रेनिंग में कैसे करो कि मेरे घर में ये झाड़ू लगा दो और पोछा लगा दो। मैंने कहा बात सुनो, ये अपन ये कम कर दे, अपन जट गए। उसने कहा नहीं नहीं, ये झाड़ू तो लगाना पड़ेगा। मैंने कहा बात सुन, मैंने कहा ये पड़ा तेरा झाड़ू, मैं भाग गया वहां से। मेरे नौकरी में क्या गुस्सा आ गया भाई साहब? चलो वो तो परमेश्वर का मंजूर था, प्रभु में आ गया इसलिए मेरी ब्लेसिंग खुल गई। लेकिन याद रखना, चाहे मसीह में हो चाहे कहीं पर भी हो, ब्लेसिंग नहीं खुलती। मैं अपने डैडी की कहानी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा डैडी बहुत गुस्से वाला था। उसकी मेरे दादे ने, जब मेरा दादे का मामा जब मिनिस्टर बना, लॉक स्पीकर बना, तो उस समय दिल्ली के अंदर, तो उसने उसको वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट के बिजली बोर्ड में नौकरी लगवाया, गवर्नमेंट जॉब, और बिजली बोर्ड में अच्छी नौकरी लग गया और सिपारा से जब नौकरी लग गया, लेकिन वहां पर भी उसके अफसर ने कोई काम बोला कि अपनी मेज तो साफ कर लिया करो, कहता हम नहीं करते। मेरे डैडी को गुस्सा आया और उसने वो नौकरी छोड़ दिया, और उसके बाद दूसरी नौकरी उसको दिलाया, गवर्नमेंट जॉब, और वो दूसरी रोडवेज में, हरियाणा रोडवेज में से नौकरी किया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति कह रहे कि कहां ऑफिसर से कह रहे वो ड्राइवर की नौकरी पर आ गया। मैं अपने ही परिवार की बात बता रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपका गुस्सा अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, मैं कह रहा हूं आप बेस्ट तो हैं, आप परमेश्वर के स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन याद रखना, हो सकता है आप बड़े का बड़ा नाम हो, बड़े पैसे हैं, बड़े शोहरत है आपके पास, बड़ी जात है आपके पास, लेकिन आप बेस्ट बच्चे हैं, परमेश्वर में आ चुके हैं, आप बेस्ट बन चुके हैं, लेकिन बहुत बार कह रहा है आपका गुस्सा आपको बेस्ट काम नहीं दिलाएगा। बहुत बार कह रहा है कि परमेश्वर ने ये सोच रखा है, कह रहा है जो बेस्ट बच्चे हैं मैं उनको बेस्ट काम दूंगा, बेस्ट फैक्ट्री दूंगा खोलने के लिए आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत लोग यही चूक जाते हैं, उनको गुस्सा इतना आया, कह रहा है ए भाई तेरी जमीन ले, प्यो नु टक्कर मार देने, प्यो नु गुस्सा कर देने, अपनी सास को ही बोलते हैं चल ये पड़ा तेरा पैसा, ये पड़ी तेरा दहेज का सामान, ले जा। पत्नी पति के लड़ाई हो जाती है और पत्नी बोलती है, पति बोलता है उसी समय चल जा मैं दूसरी ले आवांगा, चल परा, और पत्नी बोलती है चल चल मैं भी देखांगी तेना केड़ी ले आवेगा, तो मैं भी खड़ी आड़ा रास्ते में जा तू। अरे इनके झगड़े खत्म नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूं कि आज गुस्सा जो है आपको तलाक तक ले जाता है। आज पति पत्नियों के तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि उनका गुस्सा उनके लिए कह रहा रुकावट है आशीष के लिए। परमेश्वर ने पहले पूरी धरती के ऊपर उन लोगों को रिच करना है जो लोग बेस्ट हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको देख रखा है, आप बेस्ट बन चुके हो, आप बेस्ट लोग हो चुके हो, क्योंकि आपने पाप को छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर कह रहा बेस्ट लोगों से कई बार जब बेस्ट काम दे देता है तो वापिस छीन भी लेता है। इस बात को समझना है, बेस्ट काम आपका छीन जाता है कई बार।
आपको बेस्ट काम, इस बात को समझ रहे हैं, दाऊद के जीवन में क्या था, दाऊद ने बेस्ट बनकर दिखाया, आराधना किया, गीत किया, उसने गीत गाया, भजन गाए, उसने परमेश्वर को पसंद किया और पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है ये बेस्ट बच्चा है मेरा, कहता मैं इसको राजा बनाऊंगा और परमेश्वर ने राजा बना दिया उसको। लेकिन और उसको परमेश्वर ने विश्वास करके उसको एक बेस्ट काम दिया कि तू मेरे लिए एक चर्च बनाएगा। और वो कह रहा है उस रात परमेश्वर ने कहा था, बाइबल में लिखा, कह रहा है कि दाऊद कह रहा तू मुझे कब तक तंबू में लिए फिरता फिरेगा, कह रहा अब मुझे मेरे अपने मकान में ले चल, अब मेरे अपने घर में ले चल। आज बहुत सारी औरतों को मकान चाहिए, वो अपने पति को बोलती रहती हैं कब मेरे वास्ते, कहें कब मेरे वास्ते बनाएगा, कब मेरे वास्ते बनाएगा। और आदमी लोग जो होते हैं उनको लारा ही देते रहते हैं, बनाएंगे 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 बनाएंगे। और औरतें करती रहती है मकान कब बनाएगा मेरे लिए, कब मुझे अपने वाले मकान में ले जाएगा, किराए पे ही रखेगा क्या। अरे यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को कहा और दाऊद ने क्या किया, दाऊद उस समय में कह रहा है परमेश्वर के काम करना चाहता था, लेकिन दाऊद इतना गुस्से वाला था, अगर कोई उसको थोड़ा सा ही बोलता था तलवार चकता था और मारने के लिए चल पड़ता था, उसके अंदर एक बहुत गुस्सा था। और परमेश्वर ने उस दिन उसको कहा, बोलता है कि दाऊद कह रहा अब तू मेरा चर्च नहीं बनाएगा, तेरा चर्च जो है कह रहा है कि अब तेरा लड़का बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। कह रहा है कि वो लोग बनाएंगे, अब कह रहा है कि हो सकता है आप बेस्ट हो, हो सकता है कि आप अच्छी पोस्ट पर हो, लेकिन आप आज तक भी वो मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। कह रहा कारण, कह रहा आपका गुस्सा, कह रहा उन लोगों का गुस्सा है, कह रहा कि जो कह रहा कि फौरन में सेट नहीं हो पाए। आज बहुत सारे लोग फौरन में है लेकिन एक भी पीआर नहीं है उनके पास, कारण उनका गुस्सा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, फौरन वालों घुरना मत, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा कि जो लोग कह रहा अपने गुस्से को नहीं छोड़ते, अगर आज आप गुस्से को यहीं छोड़कर जा रहे, मैं कह रहा हूं एक पीआर तो स्वर्ग से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर पति पत्नी क्या करते हैं, मैं इंग्लैंड में गया, कभी ये गुस्से वाली औरत है, चल मैंने छड़ती, ऐ पति गुस्से वाला मैंने मारदा, चल मैं छड़ता, मैंने कहा और कोई कसूर इनका, कहते और कोई कसूर नहीं है, लेकिन चार चार जनानियां रखी हुई हैं, भाई साहब आपस में लड़ रहे हैं, चार चार पति रखे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बेस्ट काम करने के लिए कभी नहीं देता ऐसे लोगों को। अगर आपका एक डिसीजन है कि परमेश्वर मैं करूंगा आज से, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं गांगुली को कितने लोग जानते हैं जो क्रिकेट का खिलाड़ी था, और गांगुली गांगुली क्या बोलते हैं उसको, गांगुली कैप्टन था, वो कैप्टन क्रिकेट की टीम का, सॉरी हाँ क्रिकेट की टीम का कैप्टन था। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर इतना टैलेंट था कि वो बहुत आगे जा सकता था, लेकिन मैंने देखा है उसको, ये मुझे उसके फ्यूचर के बारे में पता कि वो गुस्से वाला है, और वो गुस्से के कारण उसने अपनी टीम में से रिजाइन दे दिया, गुस्से के कारण, मैं नहीं करता जा तेरी नौकरी, मैं नहीं करता खेलता तेरे साथ, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। आज आप गुस्से वाले व्यक्ति को गुस्से वाली पत्नी के साथ नहीं चल सकते, गुस्से वाले पति के साथ नहीं चल सकते, आप ज्यादा देर अपने दोस्तों के साथ नहीं चल सकते। नीति वचन में लिखा कि परमेश्वर बोलता है क्रोधी मनुष्य के साथ मत चलना। अगर क्रोध करने वाला मनुष्य आपके साथ चल रहा है, मैं कह रहा हूं कहीं मुसीबत में फंस जाओगे, लेकिन यहां पर बाइबल बोल रही है, कह रहे कि परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को, अपने वॉलंटियरों को, अपने पास्टरों को, अपने विश्वासियों को, अपनी सियाहों को, वो बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर गुस्सा आपको आ रहा है, कह रहा है कि आपको उसको वहीं छोड़ना है, आपके लिए एक बेस्ट काम परमेश्वर आज रात देने वाला है यीशु मसीह के नाम में, एक बेस्ट फैक्ट्री आपके बच्चे खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, एक बेस्ट मुकाम पर आपके बच्चे जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, एक बेस्ट कंपनी के मालिक होंगे आप यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर भी अंबानी की तरह आपको पूरी दुनिया के गरीब लोगों के लिए आपको बेस्ट बना एक काम देने वाला आज रात। कह रहा मेरे मसीह लोग एक ऐसी बेस्ट फैक्ट्री खोलेंगे जो पूरे वर्ल्ड में लोग रोजगार पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से हो कोई, लेकिन यहां पर कह रहा है कि बेस्ट काम तक पहुंचते उनको गुस्सा आ जाता है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आज गुस्सा यहीं छोड़कर जाना। सुलेमान ने अपने लोगों को बुद्धि दिया इस बात के लिए, हम पढ़ते कि इसके नीति वचन के, हां हां पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, हाँ हाँ। और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है, क्लियर बोल रहा है, कह रहा अंदरूनी समझ, सुलेमान कह रहा पौलुस जो है, पौलुस बताता है, कह रहा है कि सुलेमान की तरह सीखो, कह रहा सुलेमान बता रहा है अंदरूनी समझ, कहता है आपको जब गुस्सा आए उपाय बता रहा हूं, कि जब आपको गुस्सा आए तो अंदरूनी समझ का सहारा लेना चाहिए, नहीं तो अंदर ही अंदर, कह रहा जब जितनी औरतें गुस्सा करती हैं उनके अंदर दुष्ट आत्माएं जाकर बैठ जाती हैं, याद रखना। जितने आदमी लोग गुस्सा करते हैं उतनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि आज गुस्सा कह रहा है कि आपका निर्वाह नहीं कर सकता,
परमेश्वर गुस्से करने वाले के साथ चलता ही नहीं है। एक औरत आकर पूछ रही मेरे से, बोलती है पास्टर जी मैंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं किया। करीब मेरा लड़का 3 बार अमेरिका में गया और अमेरिका वीजा लेने के लिए गया लेकिन काम नहीं बना। मैंने कहा बाइबल बोलती है परमेश्वर गुस्से वाले के साथ है ही नहीं, वो चलता ही नहीं है गुस्से वाले के साथ। तो मैंने कहा कहती फिर कौन गया था हमारे साथ, मैं तो प्रार्थना भी करके गई थी फिर भी दिल्ली हमें जाकर उसने 3 बार उसने हमें वीजा नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर ने तेरे लड़के के अंदर बहुत गुस्सा देखा और परमेश्वर गुस्से करने वाले व्यक्ति के साथ 2 कदम चलना भी पसंद नहीं करता। इसलिए लिखा करा क्रोध तो करो पाप मत करो, हालेलुया। लेकिन यहां पर बता रहा है करा गुस्सा करा उसकी आशीषों में रुकावट बन गया, परमेश्वर साथ नहीं था, उसको समझ में आ गया। मैंने जब वचन पढ़ाया लिखा कि परमेश्वर क्रोध वाले व्यक्ति के साथ नहीं चलता और करी के कौन चल रहा था फिर, मैंने कहा तुझे समझदार है तू शैतान चल रहा था उसके साथ। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बता रहा हूं कि एक आदमी उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कि जब आपका रिफ्यूजल लगी उससे पहले आपने घर पे अपनी पत्नी के साथ क्या किया था, झूठ बोल रहा था। मैंने कहा तू प्रॉफिट के सामने खड़े मुझे झूठ मत बोलना। मैंने कहा यहाँ से जब आप गए थे तो क्या किया था, बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को सवेरे 2 चांटे लगा के गया था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वीजा कहाँ से आना था भाई साहब। कह रहा जी मान ही नहीं रही, कहती मैं भी चलूंगी। औरतों की तो आदत होती है जहां भी जाओ कह रहे मैं भी चलूंगी। वो कहता मेरा इंटरव्यू है मुझे इतना ध्यान करना है। लेकिन कह रहा जी ये मानी नहीं, जब 2 चाटा ही खा के मानी। कह रहे जब मान गई तो कह रहे बाद में कह रहे वहां जाके देखा कह रहे दिमाग खराब था, कह रहे जी जनानी पे था, उधर जनानी नाराज, इधर वो क्वेश्चन करी जा रहा, मैं पुट्ठे सुट्ठे जवाब दे जा रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि गुस्सा करने वालों के साथ कह रहा आपको हिम्मत रखनी है, आपको कंट्रोल में लेकर आना भाई साहब। शैतान तो किसी को भी, आपकी पत्नी को भी, आपके बच्चों को भी यूज कर सकता है गुस्सा कराने के लिए। याद रखना, आप ये सोचते हैं ये तो मेरी पत्नी है ये तो मेरा बच्चा है, लेकिन नहीं, जरा गुस्सा कराने के लिए कोई से ना किसी कोई विश्वासी भी हो सकता है, आपका आपके साथ कोई खड़ा हो सकता है कि बार बार इसको गुस्सा दिलाए और इसका दिमाग खराब हो जाए। आपको समझना है, इस बात के लिए आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं अपने गुस्से को यहीं छोड़कर जाता हूं यीशु मसीह के नाम में, और यहां ना छोड़ना बाहर छोड़ना सड़क पर। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं, मैं किस किस का उठाऊंगा भाई साहब गुस्सा, बाहर फेंक देना आज। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ ज्यादातर गुस्सा कब आता है, सुनने सुनने ध्यान से, औरतें सबसे ज्यादा गुस्से वाली होती हैं, लेकिन ये मुझे घुर रही है, आदमी भी बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। दोनों का मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कंपैरिजन किया है अपनी लाइफ में। करें औरतों को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है, कोई बता सकती है औरत यहाँ पर? मैं बताता हूँ उसको, जब घर में पोछा लग रहा होता है। जब घर में पोछा लगाते हैं ना पोछा, तब उस समय कहेगी ठहर जा तू, किच्छे फिर बढ़ गया तू अंदर, अपने मुंडे को सारा दिन बोलती रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब पोछा लग रहा होता है तो उससे गुस्सा करती है। जब मैं छोटा सा था क्रिकेट खेलता, पोछा लगा दी तो मम्मी डंडे मारती थी, बार बार बोलती फिर आ गया अंदर। और आपको पता है जब पत्नी और माँ गुस्सा करती है तो पति लोग भी कैसे चलते हैं, पोछे से डरते हैं लोग, पोछे से कैसे चलते हैं दीवार के बिल्कुल कोने कोने से, ओए साडी पत्नी ने पोछा लाया, इधर से चलते इधर से, एडी उठा उठा भी चलेंगे ऐसे, वो भाई साहब ऐसे चलते हैं कि नहीं घर में, इतने डरते हैं पोछे से, उन्हें पता है भाई साहब ये बोलेगी गुस्सा आएगा इसको, उसके गुस्से को, और बार बार भाई साहब ऐसे ऐसे चलेंगे, पूरे कॉर्नर से चलेंगे, ध्यान रख रख कर चलेंगे। लेकिन याद रखना, अगर आप ये चलना अगर मसीह में सीख ले ऐसे ध्यान से, मैं कह रहा हूँ आज प्रमोशन होने वाली है चर्च, आमीन। हाँ, एक औरत के घर में मैं गया और उसी समय मैं किसी के घर पर गया तो वहां पर एक औरत पोछा लगा थी, प्रभु में था मैं उस समय, और उसी समय वो क्या कर रही है वहां पर के पोछा लगा रही थी, उसकी नौकरानी थी, सॉरी वो नौकरानी थी, पोछा लगा रही थी, और उसी समय जब हम अंदर घुसे तो उसी समय बोलती ए क्या रहे बाहर जा बने उधर खड़े बने। मैंने कहा ये क्या कर रही है भाई, मैंने उसने एक ने कहा ये प्रॉफिट है, मैंने कहा इसे क्या बताना प्रॉफिट है, मैंने कहा बहन जी क्या हो गया, कहती है पोछा लग रहा दिखता नहीं, इधर खली हो जा ऐसे, पता नहीं कहां बिहार की थी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बाहर खड़े, मैंने कहा चुप, मैंने कहा लड़ना नहीं भाई साहब, वैसे ही मंत्री के घर जा रहे, मैंने कहा चलो इधर खड़े हो जाओ, और मैं ऐसे करके खड़ा हो गया। और जब मैं ऐसे खड़ा हो गया तो मैं उसी से बोला, मैंने कहा परमेश्वर आज से 5 साल हो गए भाई साहब मेरे सामने कोई बोला तो है नहीं, मैंने कहा ये काम वाली कैसे बोल रही है। तो मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आँख बंद करो, और मैंने आँख बंद की, और परमेश्वर ने मुझे कहा यही है वो औरत जिसने पैसे चुराए हैं इस घर में,
मैंने कहा अच्छा आप समझदार है कि नहीं। जब प्रार्थना कराने के लिए बुलाया गया तो उसी समय उन्होंने बोला हमारी काम वाली के लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा जो परसों तुम्हारे पैसे चोरी हुए थे वैसे ने उठाए। कहते आपने कैसे बता दिया? कह रहे नहीं नहीं ये तो ऐसी है ही नहीं। मैंने कहा पूछ लो यही है। और रोने लगी चिल्लाने लगी बोलती मैं उठाया। मैंने कहा दो थाने में इसको बोलेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको समझ में आ गई क्यों गुस्सा करती हैं औरतें, पोछा क्यों लगता है घर में। आदमी बाहर जाओ, बच्चों बाहर जाओ, कोई मुझे देखे ना, बस पैंट और पर्स घर में छोड़ जाओ। पोछा इसलिए लगता है घर में, पोछे पे इसलिए गुस्सा आता है, नौकरानी करनी चल बाहर। और अगर आपने नौकरानी रखी आपकी पत्नी भी जब पोछा लगाती है बोलते चल बाहर, बस पति की पैंट रखी है आहा पर्स मिल गया माल। हाँ बहुत सारी औरतें अपने झूठ ना बोलना, यहाँ पे जितनी बैठी हैं सब अपने पति के पर्स में से रोज हर रोज 100 रुपए 2000 रुपए निकाल लेती हैं। निकाल अपने पड़ोसी को बोलो आज से निकालना बंद करेंगे, तुम्हारा फायदा करा रहा हूं। आदमियों चुप रहो, सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ ये पोचा इसीलिए गुस्सा आता है। अच्छा तू भी अंदर आ गया, चल बाहर, तू भी अंदर आ गया बाहर। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। मैंने अपने घर में भाई साहब पोछा मारने वाला रखा ही नहीं, मैंने लेडीज नहीं रखी, लड़का रखा, मुझे पता है। और वो गुस्सा नहीं करता, बोला हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, यहां पर दाऊद ने जब गुस्सा किया तो उसने अब अपने बेस्ट काम को रुकवा लिया। हो सकता है मेरा परमेश्वर आज रात फैसला कर रहा हूं कि मैं किसी के लड़के को फैक्ट्री देने वाला हूं, ये काम मैं इसको सौंपने वाला हूं, मैं इसको इंजीनियर बनाने वाला हूं, आपको आईएएस अफसर बनाने वाला हूं। लेकिन अगर आप बेस्ट बनकर दिखाएंगे मेरा परमेश्वर बेस्ट काम आपके बच्चों को देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि गुस्से को लात मारता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। फिर गुस्सा दिखा रहे हो, ये भी तो गुस्सा ही है, मैं लात दिखा रहा हूं। अगर जो मैंने कह दिया वही करना है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आज गुस्से को यहीं शांत करके जाओ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहां पर लिखा, कह रहा है कि अंदरूनी, कह रहा है कि अंदर से आप अंदरूनी समझ मांगो। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा जब मुझे गुस्सा आएगा मैं पहले बाइबल को खोलूंगा और अंदर से समझ लूंगा ये तेरी ओर से है कि शैतान की ओर से है, तब मैं इस बात झगड़े को करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपसे परमेश्वर बातचीत ना करे तो वो वचन में बताना चाहता है, बोल रहा है, कह रहा है कि आज जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया और कहा है परमेश्वर कि अब मेरे जीवन से मेरे स्वभाव से इस गुस्से को शांत कर, आज पवित्र आत्मा आपकी लाइफ की स्टोरी बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें, जोर से आमीन बोलने वाले आशीष पा रहे हैं आज। इफिसियों 4:26 देखते हैं हम, देखो उसमें क्या लिखा। पौलुस जानता है कि लोग गलतियां करते हैं बार बार, पौलुस जानता है। हाँ हाँ पढ़ेंगे जल्दी से, स्क्रीन पर दिखा इफिसियों 4:26 देखो क्या लिखा। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हालेलुया। क्या लिखा? सारे बोलो क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। बहुत सारे बोलते हैं परमेश्वर ने बोल रखा है, क्रोध तो करो पाप मत करो। लेकिन यहां पर क्लियर बोलती है बाइबल, कह रहा है पौलुस जानता है, कह रहा है इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए परमेश्वर भी जानता है इंसान को गुस्सा आता है, इसलिए उसने कहा ठीक है भाई गुस्सा आ भी जाए तो पाप मत करना। तो लड़कियां थी हॉस्टल के अंदर, और वो क्या करती थी, वो जब लड़ाई विश्वासी लड़कियां थी और उसकी किसी सामने वाली लड़की ने जब पिटाई कर दी तो उसने क्या किया, उसने उसी समय विश्वास किया इस बात पर, बोलती है करी कि मेरी सहेली मेरी मदद करेगी, और उसके पास गई बोलती है करी कि आज हमने ना इसको पीटना है। उन्होंने डंडा उठाया और उसी समय डंडा लेकर और पीछे खड़ी होगी कि आज हम मारेंगे इसको, और जैसे ही वो मारने के लिए गुस्सा आ रहा था इसने मेरी सहेली को मारा, और उसको बोलती मैं तनु मारांगी, लेकिन उसी समय आगे क्या लिखाया, आगे वचन लिखाया क्रोध तो कर पाप मत कर, और उसी समय उसने कहा मैं डंडा मारूंगी तो पाप हो जाएगा, सिर फट जाएगा, और उसी समय वो रुक गई। मैं कह रहा हूं कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर अंदर समझ देने वाला है आज रात आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। एक वचन आपके अंदर समझ दे रहा है, एक वचन आपके अंदर कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कह रहे जी हमारे बस की बात नहीं, एक आई औरत और बोलती कह रही जी मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दो कि इसका गुस्सा शांत हो जाए। मैंने कहा जरा भाई, मैंने कहा इसका गुस्सा शांत हो जाए परमेश्वर, लेकिन उसने कहती आपने कैसी प्रार्थना कर दी, घर जाके तो उसने मेरी चटाई कर दी।
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उल्टी होगी प्रार्थना, मैंने कहा बब्बो मैं थोड़ा दिमाग मेरा बिजी होगा कहीं। बोलती है कह रही कि उसने आज बहुत चटाई करी मेरी, पता नहीं क्या हो गया इसको, गुस्सा आ गया। आपको समझना है गुस्सा पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कंट्रोल किया कि नहीं? बहुत सारे लोग बहाने मारते हैं, अरे गुस्से पे कंट्रोल आपको करना है। जब छोटा बच्चा होता है शुशु करने जाता है, भाई साहब मान सकते हैं वो कंट्रोल नहीं करता, लेकिन जब बड़ा बच्चा हो जाता है कंट्रोल वो खुद करता है, कोई और नहीं करता कंट्रोल। आपको कंट्रोल करना है। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए आया, वो आपको दिखाने के लिए आया। उसकी दाढ़ी नोच दी गई, उसके थप्पड़ मार दिए गए, उसके करे डंडे मारे, कोड़े मारे, लेकिन वो उसके मुंह पर थूक दिया गया। उसने सहन किया इन बातों को कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मैं सहन करता हूं। अगर आज आप क्रोध को सहन कर रहे हैं, समझ जाना मैं कह रहा हूं कि अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं क्रोध को, एक फैक्ट्री का बेस्ट काम आपको मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में, एक बेस्ट डील आपकी होने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मंत्री लोग कभी भी अपने अपने साथ में गुस्से वाले व्यक्ति को नहीं रखते। याद रखना परमेश्वर उन लोगों को बड़ा ठेकेदार बनाएगा, बड़ा बेस्ट डीलिंग देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो लोग गुस्सा नहीं करते, जो लोग गुस्सा कर कर चले जाते हैं चर्च में से, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते, ना कामयाब हो जाते हैं। बहुत लोग गुस्सा करते हैं, चल मैं नहीं आता तेरे चर्च में, अरे जा मैं नहीं आता तेरे, मैं नहीं करता तेरी 2000 की जॉब, चल जा मैं तेरी ड्राइवर नहीं बनता, चल जा। लेकिन ये नहीं पता कि एक दिन जिस मैं जानता हूं कि हमारे एक रिश्तेदार हैं अशोक जी, और वो मंत्री हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में नौकरानी 25 साल से है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गया कि मेरे घर में एक साल नौकर नहीं टिकता और इसके घर में 25 साल टिका हुआ। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? ये समझदारी की बातें हैं। इसका मतलब आपके अंदर गड्स हैं या फिर नौकर के अंदर गड्स हैं। याद रखना जब आप पोछा लगाते हैं आपकी सांस आपको रोज ताने मारेगी, अरे इधर भी लगा पोछा, इधर भी लगा झाड़ू, ए इधर भी लगा झाड़ू, इधर भी लगा झाड़ू, इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा, आपकी सांस ऐसे बोलती है। लेकिन पेशेंस किसको रखना है? पेशेंस झाड़ू लगाने वाले को रखना है। अगर झाड़ू लगाने वाले ने पेशेंस रख लिया, एक दिन राजा बनने वाला है उसी घर में यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर पेशेंस होगा तो आपको समझदार हैं। आप उसको रखेंगे जो बोलता नहीं आपके सामने, आप कहेंगे नहीं एक दिन मैं इसी की नौकरी लगाऊंगा। मैंने अभी किसी को नहीं बताया लेकिन मैं अपनी अपने अपने दादे की गवाही दे रहा हूं। मेरे दादे के साथ एक प्रॉब्लम हो गया था। वो 14 साल खाट पर बैठा रहा। मेरी दादी ने लोगों जमींदारों के खेतों में काम किया, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और धोखा कर दिया किसी फैमिली ने। और जब धोखा कर दिया कि लेडीज अकेली देखकर धोखा कर दिया, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करा लिया, जो भी कागज थे उस समय में, पुरानी बातें हैं, हम पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन उस समय में मेरी दादी ने, और उस समय में कि मेरे परिवार में 6 मेरे डैडी और 6 भाई थे, और उन्होंने उसके साथ उस जमींदार के घर में जो भी वहां पर खेतों में जो भी कोई काम किया, लेकिन आपको बता रहा हूं कि जो भी जैसे भी काम किया उन्होंने और जैसे भी वो करते रहे, लेकिन जिस दिन उनका लड़का स्पीकर बना, जिस दिन उनका लड़का मंत्री बना, उसने फैसला कर लिया कि ये लोग मेरे साथ इतने ईमानदार है, कभी मेरी बात का गुस्सा नहीं किया। उसने लगातार 3 भाइयों को नौकरी दिलवाया गवर्नमेंट जॉब यीशु मसीह के नाम में। याद रखना मन खोलने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप कह रहे हैं कि मैं, मेरा बाप जो है रिक्शा चलाता है, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हो सकते, अरे आप गुस्सा छोड़कर जाओ। आज मैं कह रहा हूं रिक्शे वाले के घर में ही आइए सब सर बच्चा लगने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको एक बड़े पोस्ट पर मेरा परमेश्वर ले जाने वाला है, एक बड़ी डील आ रहा है आपकी कराने वाला है। आपको बेस्ट बनना आसान है लेकिन बेस्ट काम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। याद रखना कि आप बेस्ट बन रहे हैं, आप बेस्ट बनकर दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि आप दिन में कितने बार बेस्ट बनते हैं, लेकिन आपको बेस्ट बनकर दिखाना है। आज रात मेरा परमेश्वर बेस्ट काम करने वाला आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी एक बेस्ट डील करा दे आज यीशु मसीह के नाम में। जो मांगोगे वो मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। देखो कैन के बारे में आप पढ़ते हैं, मैं देख रहा था कि कैन ने जब अपने भाई को गुस्से में मार दिया तो परमेश्वर ने उसको कहा सुन तू बेस्ट था लेकिन अब तेरे खेत में बेस्ट काम नहीं होगा। उसने क्या किया? कैन की जो खेती हुई, बाइबल में लिखा किसी को 30 गुना, सारे वालों किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिला। बहुत लोग चर्च में आते हैं और 30 गुना लेकर चले जाते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार और आपके मैथ के पेपर के अनुसार 30 नंबर लाने वाला फेल होता है, फेल। जिसके 100 नंबर आएंगे वो फर्स्ट डिवीजन होगा, मेरिट होगी उसकी।
लेकिन यहाँ पर किसी को 30 गुना मिला, किसी को 60 मिला, किसी को 100 मिला। और सीक्रेट है बाइबल का ये, बहुत लोग 30 में भी खुश रहते हैं चर्च के अंदर, लेकिन मैं उनको फेल बोलता हूँ जिनको 30% आशीष है घर के अंदर। लेकिन याद रखना, अगर 60 या 100 पर आप हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग खुल रही है। कैन ने ये काम किया, कैन के खेत में 30% फसल होती थी, परमेश्वर ने उसको बेस्ट काम नहीं दिया, कह रहा है बेस्ट खेत नहीं दिया उसको, बेस्ट फैक्ट्री का मालिक नहीं बनाया, बेस्ट जमींदार नहीं बनाया परमेश्वर ने उसको। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों को बनाता है। कह रहा है इसहाक के देश में जब अकाल पड़ा तो बहुत सारे लोग भाग गए, लेकिन इसहाक ने क्या कहा, इसहाक को परमेश्वर ने रोक लिया और इसहाक ने कहा कि नहीं, मैं तेरा बेस्ट काम करूंगा। परमेश्वर ने कहा बेटे अगर तू भी भाग गया, बेस्ट काम करूंगा, कहता मैं इसी धरती पर कह रहा है लोगों को दिखाऊंगा, कह रहा है कि मेरे बेस्ट बच्चे बेस्ट काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और उसने उस बात को माना और उसी धरती पर कह रहा है बीज बोया, प्रार्थनाएं की, हल चलाया जहां पर उम्मीद नहीं थी, और परमेश्वर ने बारिश किया स्वर्ग से और अकाल हट गया। और लिखा जिस साल में इसहाक ने बोया उसी साल में काटा, और लिखा उसको 100 गुना मिला यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं यही बात बता रहा हूं कि यहां पर कैन ने गुस्सा किया, उसको खेत में 30% मिला। हो सकता है कि आप गुस्सा करते हो, मैं कह रहा हूं कि इसलिए आपकी सैलरी करा वहीं पर है, 20,000 पर काम कर रहे हैं, 10 साल हो गए हैं। लेकिन याद रखना कि अगर इसहाक की तरह आप गुस्सा छोड़कर करा आप भागेंगे नहीं अपने खेत से, अपने प्रभु से, मैं कह रहा हूं कि 100 गुना मिलेगा चर्च। आज सैलरियां बढ़ने वाली हैं, आमीन। आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आपके बच्चों की सैलरी बढ़ने वाली है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ऐसा काम देने वाला है, ऐसी जॉब देने वाला है। मैं कह रहा हूँ आपकी सैलरियां डबल होंगी इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक बेस्ट डील होगी यीशु मसीह के नाम में। आप हारना मत, डरना मत। अगर एक बेस्ट एक डील चली गई है, एक नया बंदा परमेश्वर आपके लिए भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा, अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि वचन में लिखा, मत्ती के 5 में लिखा कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पढ़ जरा मत्ती 5 के 5 में क्या लिखा। हाँ हाँ, अपनी बाइबल खोलो और जल्दी से देखो उसके अंदर। मुझे मूझ बानी याद है, फटाफट बोल। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा धन्य है वो जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। किसी एक खेत के मालिक नहीं होंगे, पूरे वर्ल्ड में उनकी प्रॉपर्टियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। किसको बोला परमेश्वर ने, जो नम्र है। याद रखना, अगर आप क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं, आप एक प्लांट वहीं छोड़ देते हैं। अच्छा अभी अभी इसी समय सौदा हो रहा है और वो कह रहा है मैं 1,00,000 से ऊपर नहीं चढ़ूंगा, बस 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 मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। और इसी समय व्यक्ति गुस्सा करता है और वहीं छोड़ दे, कह रहा है चल जा मैं लेता ही नहीं तेरा प्लांट, और बाद में पछताता है। क्यों कानू साहब, गलत कह रहा हूं मैं? सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। गुस्से में छोड़ दिया, बाद में पछता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जब एक आप देख रहे पुलिस वाले को देखा किसी का, अपने ट्रैफिक पुलिस पर जब खड़ा होता है वो कैसे डंडा लेकर खड़ा होता है, ऐसे बोलता है चल, और आप उसके घर में आशीष देखो, मैं नहीं मानता हूं उसको कोई आशीष है ज्यादा। लेकिन आप डीसी दफ्तर पर जाओ, उसको 50 बार अपनी कंप्लेंट दो, वो सिर्फ आपकी कंप्लेंट को मार करके बोलेगा ओके बाय, मैंने भेज दी। नम्र रहता है वो, और उसके ऊपर बड़ी आशीषें हैं। जो लोग नम्र होंगे उनके बच्चे आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं बताता हूं कि मेरा मेरे मामे 3 मामे हैं, 3 मामों थे, मैं देखता हूं 2 मामे मेरे गुस्से वाले हैं, दो मामे गुस्से वाले हैं, लेकिन तीसरा मामा मेरा इतना हम्बल है, वो कभी गुस्सा करता ही नहीं। और मैंने देखा उसका बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लग गया, उसका बच्चा विदेशों में पहुंच गया, 20-21 किले उसने बना लिए, उसके पास खुद गवर्नमेंट जॉब, मतलब तहसीलदार हरियाणा के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए उसके साथ। मैंने देखा इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गुस्सा छोड़कर यहाँ जाएंगे, कुछ लोग कैन की तरह मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने माँ बाप से अलग हो गया, अपने भाई से अलग हो गया गुस्से में। आज बहुत सारे लोग गुस्से में करा अलग हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब करा यहां पर मैं देखता हूं कि हाथी का बच्चा जब पैदा होता है वो झुंड में रहना जानता है 6 महीने तक, लेकिन यहां पर करे जब करा इंसान का बच्चा पैदा होता है सबसे पहले अलग होता है अपने मां बाप से। आपको समझना है करा कि अगर आपका गुस्सा करा अगर शांत नहीं हो रहा तो आज परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा हम्बल कर, मुझे नम्र कर, मुझे अंदरूनी समझ दे। और सुलेमान ने इस बात को सीख लिया, उसको अंदरूनी समझ मिला।
और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। सुलेमान ने एक व्यक्ति को बताया, कह रहा मेरा बाप गुस्से वाला था, इसलिए कह रहा कि वो चर्च नहीं बना पाया, इसलिए वो तेरा घर नहीं बना पाया। कहता इसलिए, कहता आपको समझना है, कहता कोई बड़ी फैक्ट्री आप नहीं बना पाए, कोई बड़ा महल आज तक नहीं बना पाए। कहता कि जब आप गुस्से को छोड़ेंगे, मैं कह रहा हूं एक बड़े महल को आप पहुंचने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी डील तक आप पहुंचने वाले हैं। परमेश्वर आपको बेस्ट काम देने वाला आज रात, कि तू ही बनाएगा फैक्ट्री यीशु मसीह के नाम में। आपको हम्बल होना है, आपको सिर्फ यही कहना है कि मैं अपने परिवार के लिए हम्बल हो जाता हूँ। एक जन भी अगर परमेश्वर को आपके घर में हम्बल मिल गया, पवित्र आत्मा उसी परिवार का कल्याण करने वाला उस बच्चे के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग यूसुफ को जानते हैं, यूसुफ की कहानी आपने बार बार पढ़ी है, लेकिन यूसुफ जब पोती पर के खेत में जमींदार बन के काम कर रहा था, तो उसी समय उसको पोती पर ये बोलता था, झाड़ू इधर लगा, हेलो इधर भी लगा, इधर भी कटिंग करनी, जीरी इधर काट, गेहूं इधर भी काट, लेकिन कभी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा उसने। अरे जब गुस्सा नहीं आया तो उसी समय पोती पर इतना दुखी था, माँ बाप उसके साथ नहीं, कोई उसके साथ नहीं, लेकिन उसको ताने मारते थे वहां पर। नौकर को ऐसे काम कराते हैं, आपको पता है नौकर को कैसे काम कराते हैं उसको, और पोती पर देखता था यार ये मेरा नौकर गुस्सा ही नहीं करता, बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। और उसने फिरौन को बताया, राजा को बताया, कहता अगर तेरे महल में ये रहेगा, ऐसा बंदा कोई नहीं है तेरे पास, कहता ये गुस्सा नहीं करता किसी काम में। और फिरौन ने जब देखा उसको कहा, इधर उसकी रानी ने भी बोला ये काम कर, वो काम कर, फलाना काम कर, ये इधर चाय लिया, इधर ये रख, फलाना कर, काम करता रहा, लेकिन कभी उसके माथे पर शिक्ष नहीं थी। लेकिन यहां पर औरतों को बोल दो, पत्नी को बोल दो कि पांच मेरे दोस्त हैं इनके रोटियां बना दे, ऐसे आटा गूंथती हैं ऐसे, अच्छा तेरा प्लाज आटा ऐसे गूंथती है, गुस्से में गूंथती है कि नहीं, कोई गूंथती है ऐसे, हाँ हाँ पांच दोस्त आए हैं। और चाय टेबल पर कैसे जाती है पता है था ना आपको, ऐसे ये ले पी लो ठन। अगर आपकी टेबल पर गुस्से पर चाय आए, आप समझ जाते हो हालेलुया पत्नी गुस्से में है, उसको गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पोती पर कह रहा कि समझ गया, कह रहा कि यूसुफ के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, और उसने परमेश्वर ने उसके मन में डाल दिया, कह रहा और उसी समय फिरौन ने कहा, कह रहा मेरे देश को चलाने वाला, कह रहा एक प्रधानमंत्री मुझे चाहिए, लेकिन जो गुस्सा ना करता हो, और कह रहा कि मुझे यूसुफ से अच्छा कोई नहीं मिल सकता, कह रहा अब मैं पूरे देश का बेस्ट काम करने वाला व्यक्ति, कह रहा मैं यूसुफ को बनाऊंगा, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री बना वो। अगर आज आपका गुस्सा अगर यहाँ पर खत्म करके जाएंगे, मेरा परमेश्वर आपको एक बेस्ट काम देने वाला है, बेस्ट नौकरी देने वाला है, बेस्ट बिजनेस देने वाला है, आपके बच्चों को देने वाला है, आपको आशीषित करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यूसुफ से सीखो, उसके चेहरे पर शख्स नहीं था, एक गुस्सा भी नहीं था, एक लकीर भी नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है, और मैं कह रहा हूं उनको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैंने सीख लिया है कि इसी समय मेरा गुस्सा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा आज आपके हाथों को उठाए हुए देख रहा है, और आज तो आशीषें आपकी आने वाली हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि पत्नी बहुत बार फायदेमंद होती है, बहुत बार। हम पढ़ते दूसरा शमूएल 25 का 25 दिखाएंगे, और इसी समय देखेंगे हम पहला शमूएल 25 के 25 में क्या लिखा कि दाऊद के बारे में। कह रहा दाऊद को गुस्सा आया एक रात, कह रहा कि नाबाल को जब उसने कहला भेजा, पहले शमूएल के 25 के 25 में उसने कहला भेजा, बोलता है कह रहा कि नाबाल मुझे कुछ रोटियां दे और कुछ चीजें दे मेरे वर्करों को खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने किसी टाइम में उसकी भेड़ बकरियों की रखवाली की थी, और उसी समय कह रहा कि जब वो भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने चमत्कार किया, और उसी समय सुनना ध्यान से कि जब वो रोटियों की देखभाल कर रहा था, आप देखेंगे मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चितना लगाए। सुनो ध्यान से, जब नाबाल ने मना कर दिया कि मैं दाऊद को कुछ नहीं दूंगा, बेइज्जती कर दिया दाऊद की, और दाऊद ने फिर तलवार उठाई और बोलता है कह रहा आज नाबाल का सिर काट कर आएंगे। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी को पता लगा, तो देखो उसकी पत्नी क्या बोल रही है अपने पति को, दिखा स्क्रीन पर, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चितना लगाए। देखो अपनी पति को पत्नी क्या बोल रही है, दुष्ट। अपने ऐसी पत्नियां भी हैं आपके आसपास, अपने पति को बोल रही है दुष्ट पर मन ना लगा, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है, उसका नाम तो नाबाल है, और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। क्या बोल रही है अपने पति के बारे में, शर्म भी नहीं कर रही। लोग सोचते होंगे और पति ने नाबाल ने गुस्सा कर लिया होगा कि आज रात मैं अपनी पत्नी की पिटाई करूंगा,
लेकिन आपने देखा ये बुद्धिमानी थी औरत के अंदर, उसने कितनी बुद्धिमानी से अपने पति को बचाया, अपने करे दाऊद के गुस्से को शांत किया। उसको पता था आज रात ये मेरे पति को मार देगा, लेकिन उसने जाकर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा सा था, मैं जब स्कूल में किसी का सिर फाड़ कर आ जाता था, मेरी माँ बोलती थी ये तो पागल है, इसका तो नाम ही ऐसा है, गधा है, तो ये तो डंगर है, ऐ तो यही काम करता है। आज माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए 100 बहाने मारती है कि नहीं। और यहाँ पर पत्नी ने 100 बहाने मारे और उसको दुष्टी बोल दिया, उसको बोल दिया कह रही कि इसके जैसा इसका नाम है वैसे इसके काम है, कोई नहीं तू गुस्सा मत कर, दाऊद तू तो कौन है, तुझे पता है दाऊद है तू, दाऊद हालेलुया, और दाऊद छोड़ा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसी पत्नी आपके घर में है, हो सकता था नाबाल की पत्नी भी गुस्से वाली होती, बोलती अच्छा अभी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और दोनों चलते दोनों के सिर कट जाते। लेकिन याद रखना, अगर आपके घर में एक पति गुस्से वाला है तो पत्नी आपकी हम्बल होनी चाहिए, अगर पत्नी गुस्से वाली है तो पति आपका हम्बल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर ऐसी पत्नी या पति आपके घर में है, मैं कह रहा हूं आज ही मुसीबतें खत्म होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में, आज ही आपके लिए आशीषें खुलने वाली हैं। अच्छा बंदर से सीख लो, आदमियों से समझदार बंदर होता है। कई बार एक बार बंदर ने देखा कि शेर ने बंदरियों को खा लिया, और जब बंदरियों को खा लिया तो बंदर उसका पीछा करता रहता, कहीं तो फंसेगा शेर, कहीं तो फंसेगा। लेकिन एक दिन वो कह रहा है किसी जाल में फंस गया, और ऊपर बंदर ऊपर पेड़ पर बैठ कर कह रहा है, कहता कि हाँ आज फंसाना शेर, गुस्सा निकाल रहा है शेर पर, पूरा गुस्सा, बोलता कि आज तेरी बोटियां खाएगा, कह रहा शिकारी आएगा और तेरी खाल को निकाल कर कह रहा सोफा बनाएगा और डिजाइन करेगा और तेरे दांतों को डिजाइन करेगा और बाजार में रखेगा। और उसी समय शेर पूरा डरा दिया उसने और पूरा गुस्सा निकाल रहा उस पर, पूरा गुस्सा। जब आपका कोई पड़ोसी फंस जाता है तो आप पूरा गुस्सा निकालते हैं, देखा। लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक हवा चली और वो टहना टूट गया, और वो सीधा बंदर जब शेर के सामने गिरा सीधा बोलता है, कह रहा पलट गया, कहता है भाई साहब, कह रहा सीधा माफी नहीं मांगने आया हूं मां कसम, हालेलुया, सीधा गिरते ही बोला, कह रहा मां कसम माफी मांगने आया हूं शेर भाई साहब, कह रहा झगड़ा करने नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपको गुस्सा आ रहा है तो अगर आप बंदर की तरह अपने गुस्से को कह रहा बदल देंगे, आज माफी मांग लेंगे परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं आज तो एक बेस्ट डील होने वाली है चर्च, बेस्ट पोजीशन मिलने वाली है, बेस्ट बच्चे बनने वाले हैं, आज तो तरक्की होने वाली है चर्च। आमीन। आपका एक गुस्सा आपको उस पॉइंट तक नहीं जाने देता बहुत बार, लेकिन यूसुफ ने जो डिसीजन लिया उसको परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मोची के घर में पैदा हुए हैं, या आपका इतिहास क्या है, आप किसी हलवाई के घर में पैदा हुए हैं, आप रिक्शा चलाने वाले के घर में पैदा हुए हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपने ये बेस्ट काम करके दिखाया परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपकी पीढ़ियों का इतिहास बदल देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। बदलाना है कि नहीं चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो गुस्सा मत करना आज के बाद, अपने पड़ोसी से बोलो आज के बाद गुस्सा ना करियो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो लोग गुस्सा करते हैं अपनी लाइफ में आशीषों को खो देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को शैतान दिमाग में डालता रहता है, कह रहा नहीं 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 तूने बहुत गुस्सा किया, तुझे परमेश्वर माफ नहीं करने वाला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर यशाया 1:18 जब हम देखते स्क्रीन पर दिखा, यशाया 1:18 तो वहां पर लिखा, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन वो भी बर्फ के समान, कहता कि वो बर्फ के समान, करा कि वो ऊन के समान, करा सफेद हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, हालेलुया। करा चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो भी बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे, बोलो हालेलुया, हालेलुया। पढ़ जरा, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हिम के समान उजले हो जाएंगे। ये पवित्र आत्मा का मैसेज है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये रहता है, जब आप गुस्सा आता ना आपको, तो आप 15 मिनट तक कोई माई का लाल प्रार्थना नहीं कर सकता। आता है, देखो क्या लिखा, यहोवा कहता है आओ हम आपस में बातें कर लें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन मेरी बात को समझना, कहता है, कह रहा मैं तुम्हें बर्फ के समान सफेद कर दूंगा, उजले हुए जाएंगे, कह रहा चाहे अर्गुनी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने क्या सही पाप कर दिया हो, जब गुस्सा आता है, पत्नी जब गुस्सा करती है और पति जब झगड़ा करता है, तो घर में जब लड़ाई हो जाती है, तो 15 मिनट तक कोई बोलता है चलो जी प्रार्थना करें, करते हो आप? करते, ठहर जा, कर लेंगे 15 मिनट सांस लेने दे। एक बार क्या हुआ कि एक पास्टर अपनी पत्नी को बोलता था, कह रहा है कि मैं बता रहा हूँ विश्वासी को, वो घर में जब जाता तो यहाँ पे बड़ा अच्छा अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन जब घर में जाता तो बोलता तू खाना नहीं अच्छा बनाती, तू प्रेस नहीं अच्छे करती। आजकल बहुत सारे लोग विश्वासी चर्च में आते हैं, लेकिन इन पत्नियों से पूछ लो, इन औरतों से पूछ लो घर में क्या होता है,
बहुत बार ऐसा होता है आदमी लोग गुस्सा करते हैं, घर में बोलते हैं तू खाना नहीं अच्छा बनाती, तू तेरे को काम नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता, ताने मारता था सारा दिन, झगड़ा करते थे। एक दिन उसने फैसला कर लिया, उसने कहा कि अरे मेरा पति जब चर्च में जाता है बड़ा अच्छा अच्छा प्रचार करता है, प्रेम से बातें करो, प्रेम करिए यीशु मसीह के लिए, प्रेम करो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। एक दिन क्या हो गया, जब वो प्रचार कर रहा था तो उसकी औरत वहां से बोरी बिस्तरा लेकर सिर पे चली आ रही, उसने जब प्रचार करते करते देखा, कह रहे कि मेरी भगवान आ रही है, और उसी से बोलता है, कह रहा सुनो सब आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, और सारों ने आंख बंद कर ली, कह रहा आप भूल गया, बाइबल भी भूल गया, बोलता कहता आपको भगवान की कसम कहता आंखें बंद कर लो, आपको बताइए विश्वासी लोग कितने चालू होते हैं, ऐसे एक आंख बंद एक आंख खोलते हैं ऐसे। खरे पादरी ने आंख बंद क्यों कराई है, कहता आपको माँ की कसम भगवान की कसम आंखें बंद कर लो, और सारे आंख बंद कर रहे हैं, आपको पता है सबसे ज्यादा विश्वासी लोग आंख बंद नहीं करते, वो ऐसे ही कहते हैं, जब मैं स्टेज बोलता ना पानी डालूंगा आंख बंद कर लो ऐसे खोलते रहते हैं गया तो नहीं पादरी, भागा तो नहीं, और उसी समय आंख बंद कर रहे नकली, और उसी समय उसकी पत्नी जब उधर से आ रही उन्होंने देखा आंख खोल के देखा, क्या पादरी क्या कर रहा है सामने, पादरी ऐसे कर रहा था, चली जा घर जाके बातें कर लेंगे, चली जा वो दूर से कर रही, ना अब नहीं जाऊंगी मैं, तू तो घर में तो लड़ाई करता है, चर्च में मीठी मीठी बातें करता है, अब तो हम चर्च में ही रहा करेंगे आते, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जितनी भी पत्नियों के पति झगड़ा करते हैं आ जाना चर्च में यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप गुस्सा छोड़कर जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में मिराकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार यूसुफ ने अपनी लाइफ में सीखा इस बात को कि मैं आज से गुस्सा करना छोड़ूंगा, और अगर आज से आपने गुस्सा करना छोड़ दिया मेरा परमेश्वर आपको बेस्ट बनाने वाला है। याद रखो बाइबल पढ़ना बेस्ट बनना है, प्रार्थना करना बेस्ट बनना है, लेकिन कई बार बेस्ट काम आपको नहीं दिया जाएगा। दाऊद एक अच्छा जानता है अपनी लाइफ के अंदर कि उसने बेस्ट बनकर दिखाया, लेकिन वो जो खुदा का बेस्ट काम था वो नहीं कर पाया। आपका बेस्ट बनना अच्छा नहीं है, अगर खुदा काम दे दे आपको और आप उसका काम करके धरती से स्वर्ग में जाएं, मैं कह रहा हूं गोल्ड मेडल नहीं एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का काम करने के लिए धरती पर आए हो, बेस्ट काम करो, कह रहा है लेकिन बेस्ट काम परमेश्वर उसको कभी नहीं देता। आप मेरे को ही देख लो, अगर परमेश्वर मुझे बेस्ट काम दिया है कि तू मेरी सेवा कर और मैं यहाँ पर गुस्सा करूं तो क्या होगा। ये एक आत्मिक गुस्सा है, जब आप वचन में करते हैं बादरी लोग बोलते हैं, जब आप कैमरा सही नहीं चलाते, ये एक आत्मिक गुस्सा है। कह रहा है परमेश्वर ने कहा क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, कहता है आपको समझना है, कहता है आपका गुस्सा आपको आपको नहीं चला सकता। कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ चलना ही नहीं है, चलता ही नहीं, वो कह रहा है चलना ही नहीं मैंने उन लोगों के साथ जो गुस्सा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जब बाइबल पढ़ रहे होते हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरे को आज मुझे गुस्सा आ रहा है और शायद परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप बदल कर जा रहे हैं, अगर आज आप माफी मांग कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं सबसे डबल अनॉइंटिंग आपके घर पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पतरस गुस्से वाला था और उसने तलवार उठाई और कान काट दिया, और लेकिन जब उसने माफी मांगी परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा डबल अनॉइंटिंग दिया। याद रखना मूसा सबसे ज्यादा गुस्से वाला था, उसने तलवार उठाई, उसने डंडे उठाए और मारा एक इजरायली को, हत्या कर दी, लेकिन उसने जब पछतावा हुआ 40 दिन की फास्टिंग के अंदर गया और उसने कहा परमेश्वर आज से मैं तेरा बेस्ट काम करने के लिए तैयार हूं, कहता है तू मुझे बेस्ट बना। जब वो बेस्ट बना, जब माफी मांगने वाले लोगों को परमेश्वर बेस्ट बोलता है, पश्चाताप करने वाले लोगों को बेस्ट बोलता है और उनको एक बेस्ट काम देता है, परमेश्वर ने कहा सुन मूसा आज से, कह रहा तू डंडे को कहेगा तो डंडा सांप बन जाएगा, तू पहाड़ को कहेगा तो पहाड़ पानी दे देगा, तू समुद्र को कहेगा तो समुद्र के दो फाड़ कर दूंगा, कहता बड़े बड़े मिराकल करूंगा तेरे द्वारा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसा बेस्ट काम आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आज मेरे हाथ से, मैं कह रहा हूं जिसके ऊपर हाथ रखता हूं उसकी रसोलियां कैंसर उड़ जाती है। ये बेस्ट काम परमेश्वर ने क्यों दिया है, इसलिए कह रहा है ताकि, कह रहा है इसने उस गुस्से को छोड़ दिया जो बचपन से करता था। मैं कह रहा हूं कि अगर आप छोड़ रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि आज रात मैं बजिंदर सिंह से नहीं, केवल कह रहा इस दुनिया में जैसे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके हाथों से मिराकल कराने वाला है मेरा परमेश्वर, बेस्ट काम आपसे कराने वाला है। एक आज रात डबल अनॉइंटिंग तो आप लेकर जाएंगे, एक आशीष तो आज लेकर जाएंगे, एक डबल सैलरी तो आप लेकर जाएंगे, आप एक कुछ आशीष तो आज लेकर जा रहे हैं। वो लोग जो फैसला कर रहे हैं, जो लोग फैसला कर रहे हैं कि मैं आज पत्नी के साथ पति के साथ बाहर ऑफिस में जॉब में गुस्सा करना छोड़ दूंगा, आज आप अगर आप बदलने का फैसला कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर फैसला ले रहा है, वो बदल रहा है आज रात आपके लिए, वो आज रात एक फैसला कर रहा है, वो आज रात एक फैसला कर रहा है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए डिसीजन ले रहा है वो आज, आमीन।
Amen. वो जो डिसीजन लेगा वो एक फैक्ट्री का मालिक बनाने वाला आज रात आपको यीशु मसीह के नाम में, उसका डिसीजन छोटा नहीं होता, कभी याद रखना, वो आपको एक 40 खेत का मालिक बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आपको किसी MLA की पोस्ट पर बनाने वाला है, हो सकता है कि आप MC बनने वाले हैं, हो सकता है कि आप IAS अफसर बनने वाले हैं, आप हैं वो लोग, आप ही के बच्चे हैं वो लोग। इसलिए परमेश्वर ढूंढ रहे ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिलियों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे, इंतजार कर रहा है, लेकिन आज भी लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, उनको गुस्सा है, उनको गुस्सा है। कैन को गुस्सा था और परमेश्वर ने कहा जा आज से तुझे 30% मिलेगा। आप चर्च में आ तो रहे हैं लेकिन गुस्से में आ रहे हैं, आज भी घर में जाकर गुस्सा करते हैं, बाहर गुस्सा करते हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं लेकिन गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है। तो इसका मतलब आपके घर पर 3000 सैलरी आएगी या 30,000 आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी भाई साहब। लेकिन याद रखना, गुस्सा छोड़ने वाले लोग यूसुफ की तरह 100% मैं कह रहा हूं 1,00,000 सैलरी तक जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, 10,00,000 भी आने वाले आपके बिजनेस में यीशु मसीह के नाम में। आपका गुस्सा आपको करे के अमीर नहीं बनने दे रहा। अगर आपका एक फैसला है कि मैं आज से इस गुस्से को छोड़ूंगा यूसुफ की तरह, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको रिच लोगों की लाइन में खड़ा करने वाला चर्च, आमीन बोलने वाले रिच लाइन में खड़े होंगे। आपको समझना है, मेरा गुस्सा मुझे मेरी जॉब को छुड़वा दिया, मेरे गुस्से ने मुझे फौरन छुड़वा दिया, मेरे गुस्से ने मुझे कह रहा कि IAS अफसर से बनने से रोक दिया। आपका गुस्सा आपको कई बार वहां पहुंचने नहीं देता। बहुत लोग बोलते हैं, लोगों के गाल पर थप्पड़ मारते हैं आकर, उनको नहीं पता पतरस जैसा मन भी है हमारा, कान भी काट देते हैं हम। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हम अपनी आशीषों के लिए चुप रहते हैं। याद रखना कि हमें खेत की मूली मत समझना, जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं, अगर वो सोच रहे हो कि किसी भी पादरी को आकर हाथ लगा दूंगा, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर कह रहा है कि हम जब कह रहे चुप हैं, इसका मतलब हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, हम चुप इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर हमें एक बड़ा खेत देने वाला है, बड़ा डिजाइन देने वाला है, बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनाने वाला है। हमें अपनी आशीषों के लिए चुप रहना है क्योंकि आज हम नहीं कह रहा, वो गुस्से वाले लोगों को स्वर्ग में नहीं बुलाने वाला। मुझे पता है हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा बिजनेस यहाँ नहीं है, हमारा कुछ यहाँ नहीं है, हमारा घर तो ऊपर है स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं कि आज अगर ऐसा मन आपका है तो मेरा परमेश्वर आज रात आपको स्वर्ग के दर्शन कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये जिंदगी है, ये मौत का डर आपकी जिंदगियों से खत्म हो जाएगा। ये कैंसर ऐसे नहीं उड़ जाते मेरे बोलने से, पथरियां चली जाती हैं। कौन लोग नहीं जानते, 7 साल से मुझे देख रहे हैं लोग, जब मैं बोलता हूं कैंसर जाते हैं, पथरियां जाती हैं, रसोलियां जाती हैं, आम बात नहीं है। गवाहियां यहां पर जिन लोगों को 25 साल 30 साल 50 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए लेकिन बच्चे हुए हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है ऐसे लोगों को, अगर आप लोग कुछ बनना चाहते हैं तो पहले परमेश्वर का एक बेस्ट काम करके दिखाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है एक बेस्ट आज्ञा, एक फैसला लेना, डिसीजन लेना, आज रात आपकी मिराइकल करवा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में, आपके बिजनेस में मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो गुस्से में रहते हैं, सोचते हैं शायद अब परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। आपने कैसा भी पाप क्यों ना कर दिया हो, मेरा परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार है। एक बार एक राजा, उसको बत्तखों से बड़ा प्यार था, लेकिन एक सेनापति ने क्या किया, उसको बत्तख खाने का शौक था, उसने बत्तख को मारा, मुंडी से मरोड़ा और खा लिया। और एक लांगरी ने देख लिया उसको, बोलता है कह रहा कि देख राजा तेरी बत्तख खा ली, मतलब राजा की बत्तख खा ली, और शोर मचाने लगा। और उसी समय क्या हो गया, उसी समय उस सेनापति ने उसके आगे हाथ जोड़े, कह रहा तू बताना मत यार, राजा मेरी गर्दन उतार देगा, बहुत गुस्से वाला है राजा। उसने डरा दिया, कहता ठीक है तू आज से कह रहा मेरा कहना मानेगा, कहता हाँ, कहता तू मेरे साथ लंगर में मेरी सेवा करेगा, जो मैं राजा का खाना बनाता हूँ तू बनवाएगा, आज से तू बनाएगा। वो कपड़े भी धोता बेचारा, खाना भी बनाता, बड़े दिन हो गए, 6 महीने हो गए उसको ये काम करते, और राजा पूछ रहा सेनापति कहाँ गया, खेरे बीमार है, छुट्टी पर है, लेकिन वो काम कर ही जा रहा बेचारा। और एक दिन इतना पसीने में आ गया, बोलता है कह रहा यार इस काम से अच्छा तो राजा को बताना ही अच्छा है, मार ही देगा। कह रहा जाकर उसने क्या किया, उसने जाकर राजा को जाकर बता दिया। डरते डरते गया राजा के पास, बोलता राजा जी आपको एक बात बता रहा हूं, कह रहा मैंने आपकी बत्तक मार दी। और राजा हंसने लगा, कह रहा यार तेरे ऊपर तो 100 बत्त के कुर्बान, हालेलुया हालेलुया। बोलता अरे तेरे लिए, कह रहा है तू मेरा इतना बेस्ट पर्सन है, कह रहा मैं तेरे लिए 100 बत्त के कुर्बान करता हूँ। कहता कोई बात नहीं, अगर तूने मार दिए, इसका मतलब बाइबल ये बोल रही है, कह रहा चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन एक बार आकर मेरे से माफी मांगो, आज मैं बदल दूंगा, सफेद कर दूंगा तुम्हारे पापों को यीशु मसीह के नाम में। डरना मत, अगर आज आप गुस्से वाले हैं, अगर आज आप किसी भी पाप में हैं, किसी भी अरे आपने कोई गंदा काम क्यों ना कर दिया हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। आप एक फैसला लो कि परमेश्वर आज से मैं बदल कर जाऊंगा। आपका बदलना, मैं कह रहा हूं कि आपके घर की सिचुएशन बदल जाएगी आज
रात से, आपका बिजनेस बदल जाएगा आज रात से, आपकी स्टोरियां बदल जाएंगी, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपका इतिहास बदल जाएगा। आप ही के बच्चों से मेरा परमेश्वर आज रात इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप ही के बच्चे होंगे वो बेस्ट काम करने वाले। मेरा खुदा बेस्ट काम करने के लिए आपको चुनने वाला है, आपको देखता है। आइए हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज कहो पवित्र आत्मा मैंने तेरे वचन को सुना, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। पवित्र आत्मा जी मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार गुनाह किया है, बहुत बार मैं चर्च छोड़कर गया हूँ, बहुत बार मैंने गुस्सा किया है, बहुत बार मैंने जॉब में गुस्सा किया, बहुत बार मैंने अपने खेत में अपने नौकरों पर गुस्सा किया, बहुत बार मैंने अपने स्टाफ पर गुस्सा किया, बहुत बार परमेश्वर मैंने अपनी पत्नी अपने बच्चों पर गुस्सा किया परमेश्वर, लेकिन गुस्सा करके मुझे कुछ नहीं मिला। पवित्र आत्मा मुझे माफ कर दे, मैं कैन का जीवन नहीं जीना चाहता। आज पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर मैं कैन की तरह गुस्सा करके 30% पर नहीं जाना चाहता, मैं यूसुफ की तरह मैं गुस्से को मारकर नम्रता का जीवन जीकर 100% पर जाना चाहता हूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा अगर इन्होंने आज गुस्सा छोड़ दिया है मेरे पिता, इनके घर में 100% आशीष आएं यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आज से इनके घर में मेरे पिता वो बेस्ट काम चुनने के लिए, जैसे तूने मूसा को चुना, पतरस को चुना, मेरे पिता इनके घर में एक पास्टर पैदा हो यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में एक प्रोफेट पैदा हो यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में एक आईएएस अफसर पैदा हो यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में इनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने यीशु मसीह के नाम में। एक ब्लेसिंग आज खोल दे परमेश्वर इनकी, ये फैक्ट्री के मालिक को आज से यीशु मसीह के नाम में। आपका गुस्सा छोड़ना, आज परमेश्वर से आशीष को देना है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद दे रहा है जिन लोगों ने इस बात को समझा है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के आज रात पवित्र आत्मा जी मैं, अपने हाथों को उठाओ और अपने मन से दुआ करो। जो गुस्सा, जिस व्यक्ति से आपकी नाराजगी गुस्सा है, जो आपको बार बार बात खाई जा रही है, उसको माफ करो। मैं कह रहा हूँ एक हीलिंग आज होने वाली है, आज एक आश्चर्य कर्म होने वाला है। आप इसी समय अपने गुस्से को शांत करो, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय याद करो उस बात के लिए जिस बात पर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि शैतान नोट करता है इन बातों को। लेकिन आज रात आपके लिए कुछ होने वाला है, क्योंकि बाइबल बोल रही है वो गुस्सा करने वालों के साथ नहीं चलता। मैं फिर से कह रहा हूँ वो गुस्सा करने वालों के साथ नहीं चलता। लेकिन आज हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से तू मेरे साथ चलेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैंने गुस्सा छोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ, बोलो मैं पोछा लगाऊंगा, मेरे घर में आ जाना। बोलो मेरी पत्नी पोछा लगाएगी, अब आ जाना मेरे घर में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखते हैं, चेक करना, सिर्फ उस दिन चेक करना। कल बहन जी मैं तुम्हारे घर आऊंगा जब तू पोछा लगाएगी ना, सुन रही है? ये लड़ और थस रही है, सुनो आपको बोल रहा हूँ सिस्टर, आपके घर में जब कोई पोछा लगाओगे ना, मैं आपके घर आऊंगा, आपको बोल रहा हूँ। ब्लू जैकेट, हाँ तुम्हारे घर आऊंगा मैं जब पोछा लगाओगी तुम। मोस्ट वेलकम। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, बोल हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनी औरतें चाहती हैं कि आज से जब पोछा लगाए तो मेरे घर में आके मुझे चेक कर लेना, समझ रहे हैं? लेकिन जब तुम आटा गूंदोगी तब तो बढ़िया चेक होती हो, तुम ऐसे गूंदती हो, ऐसे गूंदती हो, ऐसे स्माइल देकर गूंदा करो, आपको मेरी बातें याद आएंगी जब आटा गूंदोगे आप। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको छू रहे हैं, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। बोलो आज का वचन मेरे लिए था, किसके लिए था या नहीं था? आज का वचन मेरी पत्नी के लिए भी था, मेरे लिए भी था, आपके लिए भी था, समझ रहे कि नहीं? सबके लिए था, जिन्होंने सुना उनकी प्रमोशन होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि बहुत बार हम लोग गुस्से के अंदर, एक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप मिला और उसने पेट्रोल पंप छोड़ दिया। बोलो हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो हालेलुया। मैं किसी व्यक्ति को आंखों में देख रहा हूं और परमेश्वर काम करेगा अभी। अपने हाथों को हिलाओ और जिनको हीलिंग मिले अभी इसी समय स्टेज के पास आएंगे, जल्दी से अपने हाथों को हिलाओ, बैठे बैठे जल्दी जल्दी जल्दी, और नीचे ही गवाहियां देंगे हम फटाफट।